शहजाद अब सीन कमाल है वैसे. जो चीज़ हमें चाहिए होती थी पहले, जो बाहर से मंगानी पड़ती थी, इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, अब वो चीज़ें अवेलेबल हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार. पहले अगर आप गाड़ी को ख़रीद लें तो जो अथर मैकेनिक और फलाना मैकेनिक वो अपनी तरफ से हर तरह की साइंस बताता था और आप इतने डिपेंडेंट होते थे उस पर. अब तो एक्सेसरीज मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, बिल्कुल आसान हो गई है दुनिया. बहुत आई एग्री विद यू. अच्छा अभी आपको जब मैंने बाइक स्टोर से उठाया तो क्या सीन है बाइकिंग शाइकिंग का? यू वर द फर्स्ट वन जिसने 2000 में हैवी बाइक पे पूरा पाकिस्तान टूर किया था. 2012 में हाँ, नाइट रॉड थी मेरे पास एक. हाँ. और वो एजुकेशन पे हमें प्रोग्राम कर रहे थे. ओके. तो वी थॉट कि बाइक के साथ अगर आप उसको कर देंगे तो यूथ को आप इन्वॉल्व कर सकेंगे. अब आपको ये भी बता दूं उस प्रोग्राम का नाम चल पड़ा था. और उस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के अंदर उससे पहले गुड फेथ में बच्चों को मारने की इजाजत थी उस्तादों को. उस प्रोग्राम के बाद नेशनल असेंबली ने मुझे बुलाया था 2012 में और सेक्शन 89 रिपील हुआ. okay. यानी अब अगर उस्ताद बच्चों को मारेगा तो उसको एक साल की सज़ा है और 50,000 जुर्माना है. एनीवे तो ये उस प्रोग्राम की. लेकिन वो बाइक का जो आपसे कह रहा था, तो हम तंगीर एक जगह, तो हम वहाँ पर शूट कर रहे थे तो बाइक के साथ हम कहीं खड़े रह के चाय शाय पी रहे थे. तो एक साहब आया, उन्होंने पश्तो में मुझे कुछ कहा कि आप. तो मैंने किसी से पूछा क्या कह रहे हैं. कह रहे यार ये कह रहे हैं जरा तस्वीर खिंचवानी है. तो मैं फ़ौरन खड़ा हो गया. उन्होंने कहा यार आपके साथ नहीं, बाइक के साथ. क्या सीन है, चाय हो जाए? चले हैं, है ना. सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? चाय पिलवा दें. दूध पत्ती, दूध पत्ती चाय, जबरदस्त पठान वाली जो. सही कंट्रोल आपने अपने पास रखे हुए. सुपर सर्विस. अरे क्या बात है सर, थैंक यू. ये लें सर. थैंक यू सर, आई वाज क्रेविंग फॉर दिस. बहुत शुक्रिया. आज चूंकि मेरा ड्राइंग रूम मेरी गाड़ी है. अच्छा, तो कंफर्ट के हवाले से बताएं ना, आप क्या सीन है? सीट, सीट्स, लेदर, यार आपने कुछ कमेंट ही नहीं किया. यार मैं तो सोच रहा हूँ यार सो जाऊँ मैं पीछे, है ना. सो कंफर्टेबल. तो अब आपका घर वर भी है ये? वाकई आपका लिटरली ये आजकल तो मेरा यही घर है. समझ ले मैंने एक ऑफिशियल एग्जाइल ले लिया फॉर्च्यूनर के. बाथरूम कहाँ पर है इसके? सर वो मैं मैनेज कर लेता हूँ. लेकिन बाथरूम होना हो, कूल बॉक्स जरूर है सर, ठंडा पानी चाहिए तो. डोंट टेल मी. जी जी सर, देखें आप. वाह यार दैट्स ग्रेट. हां सर, बेस्ट सीन है. क्या बात है सर. अब आप अपनी कुर्सी की नशस्त को इसी तरह रहने दीजिए और जो पेटी कसी हुई थी वो तो आपने खोल दी है. ओके. लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाइए और अंदर एक मौजूद डब्बा है, मैजिक बॉक्स. इसके अंदर आपके लिए हमने कुछ सवाल तैयार किए हुए हैं, वही हमारे रैपिड फायर स्टाइल के. पहला सवाल है वो ये है कि आपका फेवरेट जॉनरा म्यूज़िक में क्या है? रॉक, पॉप, फ्यूजन या फोक? इट डिपेंड्स क्या मूड है, लेकिन आई थिंक फ्यूजन मेरे ख्याल से मिक्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है. राइट. गन्स एंड रोज़ेस को उर्दू आती होती तो उनके साथ कौन सा गाना गाते? पहले तो कभी कभी गम था. सीरियसली क्या इस पे सोलो बजेगा? वाह वाह वाह. अच्छा जी, आपको चूज करना है स्पीड वर्सेस कंफर्ट वर्सेस एलिगेंस वर्सेस लुक्स. मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ. तो मैं ऐसा जवाब दूंगा जो दोनों जगह फिट हो जी. स्पीड नहीं होनी चाहिए उसका. अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जवाब, बहुत आला, वेल डन. और उतनी ही मज़े की चाय थी. सर अब ये तो चीज़ें हो गई, अब जरा एक सीक्रेट तो बताएं ना अपनी एजलेसनेस का, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो ना, भाई का कोई फ़ायदा. सर हुक्म करें सर, क्या सीन है, क्या एज वेज मेरा भाई पकड़ ही नहीं रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका. मैंने असल में एक पिटिशन की थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है. यार उसे ड्राइव का पता ही नहीं लगा इतनी दूर तू ले आया. हम काफ़ी दूर आए हैं वैसे. मेरे काफ़ी दूर आए हैं, देखिए पता नहीं चला, यूं करके पहुंच गए. ये होता है एफिशिएंट पावरफुल इंजन, 2.8 लीटर डीजल टर्बो सर, मजाक नहीं है. कहाँ है आप जो सरप्राइज देना चाह रहे हैं? सर ये अभी बड़ा जादुई सीन है, आपको चेक कराते हैं. आए दिखाते हैं आपको, चेक कराते हैं. All right, welcome Shahzad. This was the surprise I was talking about. This is my Fortuner lounge. आइए बैठें. अब सीन ये कि अब तक तो बड़ा हमने मज़ेदार सुकून वाला, you know, comfortable ride, chatting, ये सब कुछ हो गया. अब ज़रा action हो जाए. एक track बना हुआ है जहाँ पे different terrains हैं, like muddy, rocky, uphill, downhill, और वो सारे features जो Fortuner में हैं वो test करेंगे मैं नहीं, आप. सबसे पहले आपके सामने आएगी अनइवन सरफेस जहाँ पे आप गाड़ी को डालेंगे H4 में, यानी कि 4x4 में, जो कि आपको स्मूथली उसके थ्रू ले जाएगी. आपके सामने उसके बाद जो ऑब्स्टिकल आएगा वो रॉकी सरफेस होगी, उसको भी H4 यानी कि 4x4 में लेके जाएं और आप उसके थ्रू आराम से हो जाएंगे.
और उसके बाद जो आपके सामने आएगा वो साइड इंक्लाइन आएगा और अगेन 4x4 यानी कि H4 इज गुड इनफ फॉर द साइड इंक्लाइन ऑल्सो. अगला जो ऑब्स्टिकल आपके सामने आएगा उसको हम कहते हैं रंबल स्टेप्स. आपको गाड़ी न्यूट्रल करनी होगी और गाड़ी को आप L4 में डालेंगे और डिफरेंशियल लॉक ऑन करेंगे ताकि बड़ा स्मूथली आप उससे थ्रू हो जाए. अगला जो ऑब्स्टिकल आ रहा है आपके सामने वो है अपहिल और डाउनहिल. अपहिल जाने से पहले गाड़ी न्यूट्रल करें, डिफरेंशियल लॉक ऑफ करें, गाड़ी को L4 में रहने दें और अपहिल चले जाएं. गाड़ी आपको खुद असिस्ट करेगी क्योंकि अपहिल स्टार्ट कंट्रोल ऑन हुआ हुआ होगा. जैसे ही आप बिल्कुल पीक पे पहुंचेंगे यानी कि समिट पे पहुंचेंगे उस हिल की डाउनवर्ड्स आते हुए यानी कि डाउनहिल आते हुए DAC यानी कि डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल अप्लाई कर दें और गाड़ी आपको खुद असिस्ट करती हुई डाउनहिल ले आएगी. जब आप डाउनहिल आ गए तो आप गाड़ी रोकेंगे, न्यूट्रल करेंगे, H4 में डालेंगे, DAC ऑफ करेंगे और अगला ऑब्स्टिकल है वाटर पिट और उसके बाद है मडी टेरेन. आखिरी दोनों ऑब्स्टिकल्स के लिए H4 इज गुड इनफ टू ग्लाइड यू थ्रू. अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल वैसे हूँ नहीं, हमारे आप मुझसे बाइक पे करवा सकते हैं, ये मुझे कोई डरावनी चीज़ लग रही है. नहीं, डरावनी नहीं है, बिल्कुल सेफ है. हमारा जो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो उसमें यूज हो रहा होगा, आपकी सीट बेल्ट है, एयरबैग्स है, सेफ्टी का सारा सीन. गिर गया, सर फट गया तो मरूंगा नहीं. सर फटने का कोई सीन नहीं है. मुझे पता है मैं आपको हेलमेट ऑफर नहीं करूंगा क्योंकि आप हेलमेट यूज नहीं करेंगे. गाड़ी बिल्कुल सेफ है और ट्रैक हमने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन क्वाइट चैलेंजिंग. मैं पहला हूँ जो चलाएगा? बिल्कुल, आप पहले. टोन मैं सेट करूंगा, टोन सेट कर, टाइम भी मैं सेट करूंगा. बिल्कुल. लुकिंग फॉरवर्ड है. तो क्या कहते हैं, कर लेंगे? डर लग रहा है लेकिन लेट्स सी. चले, चेक दिस आउट, लेट्स डू दिस. अब यहाँ पे मुझे फोर व्हील ड्राइव डालना है, मैंने डाल दिया. लेट्स सी अब क्या होने लगा है. ये तो आपको एक आ रहा है. एक बटन तो मुझे न्यूट्रल करके. अच्छा, ये डालना है, ये दबाना है. इधर आके मुझे एक बटन बंद करना है. तो नागा पर्वत पे पहुंच गया. अच्छा, मुझे एक बटन दबाना है. एक बटन बंद किया. 8-4 सेट. इतने बटन दबाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है. हम अपनी गाड़ियों को, खासतौर पर फॉर्च्यूनर को, पूरा पोटेंशियल पे हम यूज़ नहीं करते. तो आज मैंने इसके सारे बटन यूज़ कर लिया, हालांकि मेरे अपने पास फॉर्च्यूनर है. मैं समझ रहा था 3.5-4 मिनट तो लगे.
नहीं मुझे लगा बीच में बहुत रुक रहा था लेकिन ये भी बुरा नहीं है नहीं नहीं बहुत आला बहुत आला कैसा रहा एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक यार आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी फैसिलिटीज और इतनी सारे फीचर्स और अवेलेबल हैं ऑप्शन और जो कि सामने है बट हम यूज नहीं करते कभी भी सो आई थिंक आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सब यूज करने की और बहुत मजा आया बॉय भाई का तो सीन नहीं लग रहा चलाने का तो शहजाद भाई चलाएंगे लेकिन याद रहे सीट बेल्ट होती है लगाने के लिए चलें फिर चलें सर लेट्स गो लेट्स डू दिस